हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए मैं जा रहा हूँ आरासरिया रोड की ओर, क्योंकि वहाँ पे आया हुआ है बहुत भयानक सर बाढ़। जी हाँ दोस्तों, गंगा का पानी का उफान, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ मैं आरासरिया रोड की ओर। तो आइए चलते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। इस रोड पर बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा जरूर। दोस्तों देख रहे हैं, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, यानी कि पूरा गांव पानी ही पानी से भरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही दिख रहा है, रोड के इधर और दाई तरफ दोनों तरफ मेरे पानी ही नजर आ रहा है। जो पानी बढ़ा है बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है। जिसमें कई गांव जलमग्न हो गए हैं, कितने घरों में पानी घुस चुका है, जिससे सभी गांव वालों को बहुत ही परेशानी झेलना पड़ रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ पानी दिख रहा है, चारों तरफ से पानी पानी। गांव वालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है सब। उस दूर और आगे चलने पर ये पानी रोड के ऊपर तक भरा है। आपको चलिए आगे दिखाते हैं, आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरासरिया रोड ब्लॉक हो चुका है, पानी पानी लग रहा है, पूरा रोड पानी से गिर चुका है। बहुत खतरनाक स्थिति हो चुकी है यहाँ की। कितना पानी आ चुका है, गाड़ी आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी करना पड़ रहा है। कितनी गाड़ियाँ तो पानी में बंद हो जा रही है। पानी का धार बहुत तेज है, ठीक है।
ये गंगा जी का पानी है, बहुत ही साफ और सुंदर लग रहा है। देख रहे हैं दोस्तों कितनी धार है पानी में, बहुत तेज बहाव है इस पानी में। दृश्य बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। आगे आगे जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन आदमी को मजबूरन आना जाना पड़ रहा है। एमरजेंसी है वही आ जा रहा है, पूरा गांव पानी से भरा हुआ है। यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, राशन पानी कैसे जुटाना पड़ रहा होगा, ये सोचिए दोस्तों। कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे वे लोग। स्कूटी डूब चुका है मेरा, आगे जाने पर बंद हो सकता है स्कूटी, इसलिए आगे नहीं जा पा रहे। गाड़ी बंद हुई तो मजा आ जाता है।
सारा गांव डूब चुका है, जिनका गाय गेरू होगा कैसे अपना जीवन वापस, कैसे उनके लिए चारा जुटा रहे होंगे, ये सोच के अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।